सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में कई सारे नंबर्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन नंबर्स में जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे पहला देखेंगे, दिया गया 3.0800, है ना। तो एक रूल हमने बताया कि डेसिमल पॉइंट के आगे अगर मतलब ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब ये दो जीरो हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है। अगर ये सिग्निफिकेंट है, ये तो नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है ही, ये बीच में है तो सिग्निफिकेंट है ही। यानी सारे डिजिट जो है सारे सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कहेंगे कि टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना। इसमें देखेंगे कि ये वाले जो जीरो हैं, दोनों जीरो मतलब कि डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो जो डिजिट होता है उसके बीच के जीरो जो है इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं अगर नंबर जो है 1 से कम हो। तो ये नंबर 1 से कम है तो इसमें डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो है ये इनसिग्निफिकेंट हो गए। इसका मतलब कि ये जो 3 है ये 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। इसमें ये दो जीरो इसलिए इनसिग्निफिकेंट हो गए क्योंकि ये हमारे रूल के हिसाब से हो सकता है कि ये जो है यूनिट चेंज के कारण से आए, इसलिए इसमें कर सकते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसमें जो है 3500 है तो इसमें अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं ये इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2, यानी कि 2। अब ये नंबर है, इस नंबर में कहा जाता है कि डेसिमल पॉइंट है अगर, तो डेसिमल पॉइंट के आगे जितने भी जीरो होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये दो जीरो सिग्निफिकेंट है, ये जो 3 है ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो है, तो बीच वाले भी सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें कुल मिला करके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये वाला नंबर है, इसमें भी यही वाला रूल लगेगा, डेसिमल पॉइंट के आगे जितने भी इधर जो है इस साइड में जितने भी जीरो हैं सारे सिग्निफिकेंट हैं। और अगर ये जीरो सिग्निफिकेंट है तो ये अंदर वाले जीरो तो सिग्निफिकेंट हो गए ही, ये 5 नॉन जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। यानी इसका मतलब इसमें जितने भी डिजिट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें देखेंगे कि 6.020, है ना, ये जो नंबर है आगे 23 जीरो आ सकते थे इसे मल्टीप्लाई करने से, वो जितने भी जीरो आते वो सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 आएगा। वैसे ही ये वाला नंबर है, इसमें भी ये ऊपर जो है -19 है, तो जो भी है इसमें भी इधर वाले जितने भी जीरो हो सकते हैं डिवाइड करने से नीचे वो सारे जो है इनसिग्निफिकेंट होंगे। ये है 1.60, तो इसमें ये जो 3 है डेसिमल पॉइंट के आगे जो जीरो आता है ये सिग्निफिकेंट होता है, और ये नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, तो इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो यहां पर हमने सीखा कि अगर कोई नंबर दिया गया हो तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कैसे पता करेंगे, है ना। अगर ऐसा हो कि हमें दो नंबर दे दिया गया हो और दो नंबर्स को ऐड करना हो, या हो सकता है सब्सट्रैक्ट करना हो, या उनका प्रोडक्ट या डिवीजन दिया गया हो, तो ये इनको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसको पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ रूल्स सीखेंगे, है ना। जैसे कि पहला रूल जो है वो है एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए, मतलब दो या तीन क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, है ना, उसको इस रूल से हम लोग समझेंगे। तो इसमें पहला रूल ये है, व्हेन रिजल्ट आफ्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन डू नॉट हैव डेसिमल पॉइंट देन
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन द क्वांटिटी हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमें 33,000 जो है इसमें ऐड करना है, 22 ऐड करना है, और इसमें से फिर 11 को माइनस कर लेना है, ठीक है। मतलब कि इसको इसको ऐड करेंगे, इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 33,011, ये आएगा। अब इस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, आप देखेंगे कि इसमें तीन क्वांटिटी को ऐड या सबट्रैक्ट किया गया, कि ये है, एक ये है और एक ये है, है ना। तो जो आंसर है, इस आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो उतना रहना चाहिए जितना कि किसी लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले क्वांटिटी में। जैसे देखेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, दो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, दो, और इसमें जो है वैसे इसमें भी दो ही हैं। अगर ज्यादा भी होते, मतलब हो सकता था 33,001 होता है यहां पर, अगर ज्यादा भी होते तो चूंकि इनमें जो है सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां पर है, इसमें है या इसमें है, दो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दो डिजिट तक राउंडिंग करना पड़ेगा। मतलब कि इसमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, बाकी जो भी है उनको ड्रॉप कर देना पड़ेगा। नंबर को जैसे 1 और 1 है, उसको ड्रॉप कर देंगे, 33,000 आ जाएगा ये, है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि 33,001 सपोज ये था नंबर, और ये 22, ये 11, तो ये इतना आ गया होता इस कंडीशन में। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे तो ये आएगा 5, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 2, इसमें कितना है, 2। तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है या कितना है, इसमें है और इसमें है, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। तो जो ही रिजल्ट आएगा उसको उसमें भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बाकी जो नंबर्स हैं उनको हम लोग ड्रॉप कर देंगे। उनको ड्रॉप करने का मतलब है कि राउंडिंग कर देंगे, तो 33 और इनको हटा करके 000 लगा देंगे ऐसे, तो आंसर जो है कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि किसी ऑपरेशन के बाद, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट है उसमें डेसिमल पॉइंट आता है, इनमें तो डेसिमल पॉइंट नहीं था, उसके लिए ये रूल है। अगर डेसिमल पॉइंट हो तो क्या करना चाहिए, व्हेन रिजल्ट आफ्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन is or have decimal point, then round off the result to the decimal places places in least accurate quantity, least accurate quantity, least accurate quantity वो होगा जिसमें decimal point के आगे सबसे कम number of significant figures होंगे, है ना। मतलब कि
द क्वांटिटी हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट. है ना. अब इसका मतलब मैं बताता हूं. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अपने पास नंबर है 353.25, ये हो गया, और इसको हमें ऐड करना है 5.03 के साथ में, इसको ऐड करना है. ठीक, तो इसको ऐसे कर देते हैं, इसको 5.3 कर देते हैं, ये हो गया. अब इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो ये आएगा डेसिमल, तो बिल्कुल सामने करके ऐड करते हैं तो ये आएगा 5. ये हमें पता नहीं है नंबर क्या है, तो हम लोग जीरो मान लेंगे. 5 और 0, 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, डेसिमल आ गया यहाँ पर 5 3 8 5 और 3. ये रिजल्ट आया है. इस रिजल्ट में हमें क्या करना है, राउंडिंग करना है. राउंडिंग करने का मतलब ये है कि जो इनसिग्निफिकेंट नंबर्स हैं उनको हटा देना है, जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं उनको रखना है. ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि उतने ही डेसिमल प्लेस तक रखना है जितना डेसिमल प्लेस जो है वो लिस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी में. इसमें लिस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी कौन सा है, ये वाला है. इसमें देखेंगे डेसिमल पॉइंट के आगे एक ही डिजिट तक दिया हुआ है, इसकी एक्यूरेसी उससे कम है. इसमें डेसिमल पॉइंट के दो आगे डिजिट तक दिया हुआ है, यानी ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये कम एक्यूरेट है. तो ये लिस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी हो गया इन दोनों में कंपेयर करें तो. अब लिस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी में डेसिमल पॉइंट के आगे जितने डिजिट होंगे उतने ही डिजिट आंसर में भी रखना है. मतलब लिस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी में डेसिमल पॉइंट के आगे सिर्फ एक डिजिट है तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के आगे सिर्फ एक ही क्वांटिटी होना चाहिए. यहां तक, यानी इस नंबर को हम लोग हटाएंगे. ठीक है, तो राउंडिंग करने का जो रूल है वो अलग है ना, तो उस रूल के हिसाब से राउंडिंग. बस इसमें हमें ये अभी समझना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हो गए 4. राउंडिंग का रूल जो है अभी हम लोग आगे सीखेंगे. ठीक है, अब ऐसा मान लेते हैं कि दो नंबर्स हैं और उनका प्रोडक्ट या डिवीजन हमें करना है. तो प्रोडक्ट और डिवीजन निकालना है तो उसमें जो रिजल्ट आएगा उसको कहां तक राउंडिंग करेंगे, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसको समझने के लिए भी एक रूल है. तो मान लिया कि ये जो रूल है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है बी, प्रोडक्ट और डिवीजन में. है ना, इसमें भी ये जो रूल है वो ये वाला रूल लगता है जो कि यहां पर था. अगर डेसिमल, इसमें तो डेसिमल पॉइंट नहीं था तब ये रूल लग रहा था, इसमें डेसिमल हो या नहीं हो रूल वही लगाना है. मतलब ये है कि रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट और डिवीजन विल हैव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द क्वांटिटी हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. जैसे मान लिया कि दिया हुआ है 33.3, ये हो गया,
और एक क्वांटिटी दिया हुआ है 2.8। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है ना, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसको आएगा 4, 6, फिर ये आ गया 26, फिर 6, 6 और 6, तो प्रोडक्ट के बाद ये आएगा रिजल्ट 4, ये हो जाएगा 2, 3 और 9, है ना। तो ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट में जो डेसिमल पॉइंट लगाना है उसको तो हम लोग लगाएंगे यहाँ तक, है ना, यहाँ तक लगाएंगे, लेकिन इसको हमें राउंडिंग करना पड़ेगा। कहाँ तक राउंडिंग करना पड़ेगा हमें, अब जैसे इन दोनों में आप देखें तो इन दोनों को मिला करके जो इसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 3 हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 2 हैं, यानी हमें इसमें राउंडिंग करना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक राउंडिंग करना पड़ेगा, उसके आगे के जो नंबर्स हैं उनको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। मतलब ये करीब करीब आपका आ जाएगा 930, ऐसा रखेंगे करीब हमें, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 93 रह गए, आगे वाले ड्रॉप करना पड़ेगा। ये रूल जो है अभी आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से राउंडिंग करते हैं, है ना। तो देखेंगे कि हमने 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट निकाला, इसमें ऊपर वाले में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से 3 और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 2, तो जिसमें कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो ये नंबर है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक। तो रिजल्ट में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, यही इसमें बताया गया है कि जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का जब प्रोडक्ट या डिवीजन निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उस क्वांटिटी में है जिसमें कि कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये रूल है और इसको हमें अप्लाई करना है हर बार। अब सीखते हैं कि राउंडिंग कैसे करते हैं। हमें ये पता चल गया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हमें पता है और तो उसके आगे जितने भी इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उनको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, है ना। तो किस तरह से हटाएंगे, क्या रूल है, उसको मैं यहां पर बताऊंगा। तो अगर हमें कोई नंबर दिया गया है तो उसमें कहां तक राउंडिंग करना है ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं और कौन कौन से जो नंबर है वो इनसिग्निफिकेंट है। सपोज हमें ये चीजें पता है तब हम लोग राउंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, ये है 47.845, ये नंबर है। अगर हमें पता है कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जैसे ये है, ये सिग्निफिकेंट है ना, तो इसके आगे वाले जो नंबर है इनको रिमूव कर दिया जाएगा। ये जो 8 है इसको कहा जाएगा लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक। और ये जो सारे नंबर हटाएंगे इसमें से, ये जो है 4, ये तो हटेगा ही हटेगा, ये जो 4 वाला है इसको कहेंगे रिमूवेबल डिजिट, या कह सकते हैं फर्स्ट रिमूवेबल डिजिट, है ना। तो अगर ऐसा है कि जो रिमूवेबल डिजिट है अगर ये 5 से कम होता है तो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो पहला रूल ये है, व्हेन रिमूवेबल डिजिट इज लेस देन 5, यानी कि 50% से भी कम है, देन ड्रॉप इट, मतलब उसको सीधे हटा देंगे। जैसे ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में भी ये वाला जो नंबर है ये 5 से कम है, है ना, 47.845 है, हमें यहाँ तक राउंडिंग करना है तो इसको मैं राउंडिंग करके लिखूंगा 47.8, ये जो 4 है इसको ड्रॉप करने का मतलब सीधा हटा देंगे, उसके आगे वाले सारे हटने ही हैं।
तो ये जो है ये नंबर जो है वो राउंडिंग हो गया, तो ये फाइनल आंसर आएगा। अगर ऐसा हो कि जो रिमूवेबल डिजिट है वो 5 से बड़ा है, ठीक, तो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को 1 से बढ़ा देना चाहिए। व्हेन रिमूवेबल डिजिट इज ग्रेटर देन 5, यानी कि 50% से बड़ा हो, देन इंक्रीज द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बाय 1। जैसे अगर अपने पास नंबर होता 47.864, ये होता, हमें पता है कि ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, है ना, तो आगे के जो नंबर्स हैं इनको हटा करके राउंड नहीं करनी है हमें, हमें नंबर तो बस इतने ही चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा 47 पॉइंट, ये जिसको रिमूव करना है रिमूवेबल डिजिट अगर 5 से बड़ा है, जैसे यहाँ पर 6 है या 7 होता या 8 होता या 9 होता, तो क्या करना है कि इसको तो हटाएंगे हटाएंगे, लेकिन इसके पहले एक नंबर है जिसको हम लोग कहते हैं लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इस नंबर को 1 से बढ़ा देना है, है ना, इंक्रीज इट बाय 1, मतलब कि ये 47.9 हो जाएगा, ये हो जाएगा राउंडिंग, राउंडिंग हो गया इसका, ठीक है। तो इस नंबर को राउंडिंग करके इतना लिखेंगे। अब बाय चांस ऐसा हो जाए कि जो रिमूवेबल डिजिट है वो एग्जैक्टली 5 आ जाए, फिर क्या करेंगे, व्हेन रिमूवेबल डिजिट इज एग्जैक्टली 5, यानी कि 50% है, देन लुक एट लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना। अब उसमें क्या करेंगे कि जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, इफ इट इज इवन देन ड्रॉप द रिमूवेबल डिजिट, और इफ इट इज ऑड देन इंक्रीज इट बाई 1। मतलब जैसे अगर नंबर है अपने पास 47.854, ये मुझे राउंडिंग करना है यहां तक, है ना, तो अब ये जो नंबर है रिमूवेबल डिजिट है ये है 5, तो इसको मुझे राउंडिंग करना है। तो राउंडिंग से पहले ये देखेंगे ये जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है इसको, अगर ये इवन नंबर, जैसे यहां पर इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर होगा तो बस क्या करना है, इसको ऐसे ही रखना है, ये बाकी सारे हटा देना है, रिमूव कर देना है, ड्रॉप द रिमूवेबल डिजिट्स, यानी इसको राउंडिंग करेंगे तो आएगा 47.8, बाकी सारे गायब कर देंगे, ये हो गया राउंडिंग इसका, यानी ये राउंडेड नंबर हो गया। लेकिन अगर ये नंबर जो है ऑड होता, जैसे अपने पास सपोज ये दिया होता आंसर 47.354, सपोज ये दिया होता और हमें सिग्निफिकेंट डिजिट जो है 3 है दिए गए हैं, तो हमें राउंडिंग यहीं तक करना है, तो रिमूवेबल डिजिट जो है वो 5 है, तो 5 से पहले वाला नंबर देखेंगे, यानी लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखेंगे, ये तो इस बार ऑड है, तो जब ये ऑड होगा तो क्या करना है, इस डिजिट को 1 से बढ़ा देना है, यानी इसको राउंडिंग करके मैं लिखूंगा 47.4,
इस 3 को 1 से बढ़ा दिया। यहां पर क्या किया था, चूंकि ये इवन था तो बस वैसे ही छोड़ दिया, बाकी को हटा दिया यहां पर, है ना। और इसमें चूंकि ये ऑड था तो इसको 1 से बढ़ा देना है। अब ये हो गया 47.4, ये हो गया इसका राउंडिंग, ठीक है। तो ये हो गए राउंडिंग के रूल्स। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, जिसमें कि जो है एक क्यूब का साइड लेंथ दिया गया था और उस क्यूब का वॉल्यूम निकालना था। देखने में जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान लग रहा था, लेकिन उसका जो आंसर था, जो सॉल्यूशन था, वो बहुत ही मुश्किल था, और इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो आंसर थे वो गलत आए थे, है ना। देखेंगे वैसा ही एक एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा हुआ है। एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ दिया गया है 1.2 × 10⁻²। इसका वॉल्यूम निकालना है, है ना। तो देखने में बहुत ही आसान लग रहा है कि जो क्यूब का साइड लेंथ दिया गया हो तो वॉल्यूम जो है हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ये होता है साइड का पावर 3, यानी कि 1.2 × 10⁻²³, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो ये आएगा कुछ इतना, 1.728 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब, है ना। तो अब आपको समझना है कि आंसर जो है, यहां पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देखेंगे कि देखने में तो ये लग रहा है कि चारों ऑप्शन ही सही है ना, मतलब कि ये एग्जैक्टली आंसर ये मैच कर रहा है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है, गलत आंसर है, ठीक। इसमें राउंडिंग कर दिया गया है, अगर 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंडिंग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, 1 डेसिमल पॉइंट तक राउंडिंग करेंगे तो ये आएगा, और इस राउंडिंग करके अगर इसको, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि राउंडिंग कहां तक करना है। राउंडिंग हम लोग करते हैं जहां तक सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को ड्रॉप कर देते हैं। तो राउंडिंग करने का जो रूल बताया है ना प्रोडक्ट या डिवीजन में, कि जिस नंबर में या जिस क्वांटिटी में सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में रखने चाहिए। तो इसमें एक ही क्वांटिटी है, उसी को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो इस क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, 2। तो अपना जो आंसर है उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, है ना। तो इसमें अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है तो मुझे राउंडिंग करना पड़ेगा यहां तक, और जब यहां तक राउंडिंग करेंगे तो मुझे इसके आगे वाले नंबर्स ड्रॉप करने पड़ेंगे। तो रिमूवेबल डिजिट कौन सा है, 2। ये चूंकि 5 से कम है तो इधर वाले सारे नंबर हटाने पड़ेंगे मुझे, तो मैं लिख सकता हूं इसको 1.7 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो ये जो आंसर है ये सही है, इसकी इसकी वैल्यू बराबर है, लेकिन ये आंसर गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें यहां तक लिखा हुआ 3 सिग्निफिकेंट जो है इसमें फिगर्स दिख रहे हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं इसलिए गलत है, और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं, है ना। इसमें 2 डेसिमल प्लेसेज तक राउंड नहीं किया गया इसमें, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ एक आंसर इसमें सही है। तो उस टाइम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम के लिए जो क्वेश्चन था टफ इसलिए था क्योंकि तब जो है राउंडिंग के बारे में या जो एरर है या जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये क्लास में पढ़ाया नहीं जाता था, है ना। और अब जो है हर साल जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन 1 या 2 हर साल आते हैं, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे लिस्ट काउंट के बारे में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इट कैन मेजर, है ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम कितना बड़ा क्वांटिटी मेजर कर सकता है उसको उसका लिस्ट काउंट कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें मिलीमीटर स्केल की, तो मिलीमीटर स्केल का जो सबसे स्मॉलर जो सेक्शन होता है या डिवीजन होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है।
है ना, तो उसमें हम एक मिलीमीटर को फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, यानी इसका जो लिस्ट काउंट होगा मिलीमीटर स्केल का, हमने शुरू में देखा भी था, तो इसका लिस्ट काउंट जो हो गया ये हो गया 1 मिलीमीटर। अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर्स की, वर्नियर कैलिपर्स, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है, मतलब जो सबसे छोटा वैल्यू ये मेजर कर सकता है, ये होता है 0.01 मिलीमीटर, मतलब इससे भी 1/10 जो है, तो ये होता है, मैंने गलत बताया, ये देखें, ये होता है 0.1 मिलीमीटर, तो इसका जो 1/10 पार्ट है उसको भी वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, है ना। इसके बाद आता है स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज जो है इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, है ना, मतलब कि इसका 1/100 टाइम्स छोटा पोर्शन जो है वो स्क्रू गेज से मेजर किया जा सकता है। ठीक, अब किसी इंस्ट्रूमेंट से जब हम लोग मेजर करते हैं तो हमें ये पता करना होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें ज्यादा से ज्यादा एरर कितना आ सकता है, इसको कहा जाता है मैक्सिमम परमिसिबल एरर, है ना। जो शुरू में मैंने बात किया था मैक्सिमम अनसर्टेनिटी के बारे में, अनसर्टेनिटी, जैसे मिलीमीटर स्केल को अगर मैं यूज करूंगा तो एग्जैक्टली जो है मिलीमीटर वाला वैल्यू तो सही बताएंगे, लेकिन जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो एक्यूरेटली नहीं बता सकते। जैसे कि मैं कहूं कि ये रॉड है और मिलीमीटर वाला स्केल यूज कर रहे हैं, हमने जो क्वेश्चन किया था शुरू में, ये 0 ऐसे था 4, 2, 3, 1, है ना, कुछ इस तरह से था, है ना। इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, तो यहां पर ये 3 और कुछ 4 ऐसे आ रहा था। ठीक है, तो मिलीमीटर स्केल हो तो इसमें तो है कि हम लोग ये बता सकते हैं कि 4.3 सेंटीमीटर में हमने बताया था इसका रीडिंग, है ना। अगर मिलीमीटर में बताना हो तो 43 मिलीमीटर बता सकते हैं, या कोई 44 मिलीमीटर बता सकता है, एक आगे बता सकता है, है ना। ये क्वेश्चन ये हमने बताया था सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर के, तो इसकी रीडिंग जो है सेंटीमीटर हमने लिखा था 4.3 सेंटीमीटर, तो कोई अगर ज्यादा से ज्यादा गलती कर सकता है तो क्या कर सकता है कि 43 हो वो 44 बता देगा, यानी 1 मिलीमीटर का ज्यादा से ज्यादा एरर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोई इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है उस उतना ही जो है मैक्सिमम परमिसिबल एरर हो सकता है, अगर उसकी मेजर्ड वैल्यू की बात करें तो। मतलब कि अगर मैं मिलीमीटर स्केल से मेजर करूंगा किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं गलती जो है वो 1 मिलीमीटर का ही कर सकता हूं। उसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मुझे वर्नियर कैलिपर से मेजर करना है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं गलती कर सकता हूं 0.1 मिलीमीटर का। ठीक है, उसी तरह से स्क्रू गेज से अगर मेजर करेंगे तो उसमें भी जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर आएगा वो आएगा 0.01 मिलीमीटर, यानी अगर हमें पता हो कि किस इंस्ट्रूमेंट से ये वैल्यू मेजर किया गया है तो हम बता सकते हैं कि उस मेजर्ड वैल्यू में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, वो कितना होगा इक्वल टू लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अगर हमें ये पता हो मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय विच इट वॉज और इट इज मेजर्ड। ठीक, अगर ऐसा नहीं दिया गया, हमें नहीं बताया गया कि किस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया, तो उसका एक और तरीका है, इफ
नथिंग गिवेन, मतलब कि ये नहीं बताया गया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया. देन मैक्सिमम परमिसिबल एरर विल बी इक्वल टू द प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट इन मेजर्ड क्वांटिटी, है ना. जैसे अगर हमें दे दिया गया है कि किसी रॉड का लेंथ है 34.3 मिलीमीटर, है ना, तो इसका मतलब मुझे पता है कि डेसिमल के एक डिजिट आगे तक है, तो इस ये जो लास्ट डिजिट है 3, इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे 0.1 मिलीमीटर, है ना. मतलब कि लास्ट डिजिट का जो प्लेस वैल्यू है वही कह सकते हैं कि इसका इस जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया होगा उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट भी 0.1 मिलीमीटर ही आएगा, और इसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो आएगा वो भी 0.1 मिलीमीटर ही आएगा. अगर हमें दिया गया है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वह 34.38 यानी